हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो डेफिनेटली दोस्तों, अभी का सबसे मेन टॉपिक तो हिंडनबर्ग वाला ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इससे रिलेटेड दोस्तों आपको काफ़ी सारा लर्निंग पॉइंट भी यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल भी यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि आपको बताइए, आज के दिन निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई। देन अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल निशान ज़रूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक यहाँ पे गिरा ही है, सो अगर हम लोग इसको ओवरव्यू भी कर ले तो अदानी विलमार ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। समवेयर अराउंड 4-4% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे अदानी शेयर्स में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल गई है। सो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि ये जो मुद्दा है वो पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। और ये मुद्दा सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप तक यहाँ पे सीमित नहीं रहा है, ठीक है। इसको तो मतलब आप कह सकते हो कि हिंडनबर्ग ने इस वक्त सीधा सेबी चीफ को टारगेट यहाँ पे किया है, तो ओवरऑल शेयर मार्केट से रिलेटेड भी ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी की अगर हम लोग लेटेस्ट अगर बात यहाँ पे कर ले दोस्तों, तो ये व्यक्ति तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। यस, जॉर्ज सोरोस की अगर हम लोग बात करें, ये नाम दोबारा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले भी जॉर्ज सोरोस का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, तभी तो उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन से यहाँ पे लगाए थे। उसमें से एक एलिगेशन ये अदानी वाला मामला भी था, और दूसरा वो पॉलिटिकली हम लोगों को रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें चलती है उससे रिलेटेड भी उन्होंने एक आरोप यहाँ पे लगाया था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, एंड इससे रिलेटेड फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि जॉर्ज सोरोस यहाँ पे हिंडनबर्ग में हम लोग को इन्वेस्टर है, ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो बीजेपी के ओर से चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। मतलब इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो हिंडनबर्ग का इन्वेस्टर अगर देखा गया तो जॉर्ज सोरोस ये मेन इन्वेस्टर, ठीक है, और भी यहाँ पे हो सकते हैं, ये आरोप फिलहाल तो बीजेपी ने यहाँ पे लगाया है। सो डेफिनेटली अब ये देखने वाली बात होगी क्या हिंडनबर्ग इससे रिलेटेड क्या पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखेगा, क्या क्लैरिफिकेशन देगा, क्योंकि अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग इस चीज़ से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन देता रहता है, तो ये एक देखने वाला है मुद्दा यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये भी लड़ाई देखने को मिल ही रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सोरोस के जो लिंक है वो हम लोग को कांग्रेस के साथ देखने को यहाँ पे मिल रहे करके, ठीक है। और ये लास्ट टाइम भी हम लोग को सेम चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो जो ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा था सैटरडे के दिन, वीकेंड के दिन ही देखने को मिल रहा था, वो अभी पॉलिटिकली भी रूप काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट ऐसा तो नहीं कह सकते, बट फिर भी ये जो लड़ाई है नॉर्मली बीजेपी वर्सेज कांग्रेस तो यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली हम कह सकते दोस्तों कि बीजेपी के ओर से यस दो पॉपुलर बड़े हम लोगों को पर्सनैलिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते दोस्तों कि कहा है कि सेबी से रिलेटेड जांच होनी चाहिए करके। यस, ये कौन बीजेपी के साइड से दो हम लोगों की ओर से चीज़ें देखने को मिले, उनमें से एक है सुब्रमण्यम स्वामी जी, ठीक है। अभी स्वामी जी की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी जब अदानी वाला मैटर सामने आया था तभी भी उन्होंने इससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब सेम इसी प्रकार की टिप्पणी यहाँ पे दी थी, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उन्होंने ट्विटर हैंडल से ये फिलहाल तो पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस मुद्दे को यहाँ पे उठाया कि उनका ये कहना है, ठीक है, मेरा नहीं, कि उन्होंने कहा कि सेबी प्रमुख के पोस्ट पर किसी ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की मांग उन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है, एंड इसीलिए अगर आप उनका ट्विटर हैंडल जो कि अभी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन चुका है, सो वो ये ऐसा यहाँ पे क्यों कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनका एक ही मुद्दा यहाँ पे है कि ये जो चीज़ें हुई है कौन सा वाला ये हिंडनबर्ग अदानी वाला जो मामला है ये दूसरी बार उठा है, ठीक है। मतलब क्या है कि बेसिकली वो बिटवीन द लाइन्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मामले अगर ऐसे ही बार बार अगर होते रहेंगे, सो जो फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को जो देखने को मिल रहे हैं इसके प्रति जो हमारी छवि जो देखने को यहाँ पे मिल रही है उसको यहाँ पे धक्का लग सकता है, एंड इसी चीज़ के चलते वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि इसकी बहुत ही डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए करके। अगर हम लोग PLA की अगर हम लोग बात करें जो कि जनहित याचिका की बात करें, वो ऑलरेडी यहाँ पे दूसरा जो केस है उनका आप सभी लोगों को बताइए एक्सिस से रिलेटेड, उसमें वो ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी स्पष्टीकरण उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और जैसे मैंने कहा ये तो इस वक्त की बात उन्होंने की है, इसके पहले भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके पहले मतलब जो 8 फरवरी 2023 की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि यहाँ पे PM मोदी शुड नेशनलाइज ऑल द असेट ऑफ अदानी ग्रुप एंड देन ऑक्शन इट फॉर द सेल करके। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे कमेंट्स हम लोग को उनके ओर से भी देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। देन अगर हम लोग सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनको भी आप ज़रूर यहाँ पे जानते होंगे,
अन्ना मलाई की अगर हम लोग बात करें तो उनके ओर से भी हम लोग को सेम इसी प्रकार का एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि जो क्लेम यहाँ पे किया जा चुका है सीधा सेबी चीफ एंड अदानी लिंक से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा सच में अगर इतना हायर लेवल की बातें यहाँ पे की जा रही है तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए करके। बट उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो एलिगेशन यूजुअली ये लगाते हैं, ठीक है, उनके जो इरादे होते हैं वो पैनिक क्रिएट करने से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि वो शॉर्ट सेलर है, शॉर्ट सेलर को हमेशा पैनिक से ही फायदा यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग बात करें अपोजिशन, तो ऑलरेडी यहाँ पे वो तो जेपीसी की ही मांग लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये लड़ाई काफ़ी हम लोग को लंबी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें, जो एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है मुझे, सर हम लोग यहाँ पे क्या करें, बाय करें, होल्ड करें, सेल करें करके, तो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकते, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट येस, इसके पहले भी मैंने जब भी अदानी से रिलेटेड ये मुद्दा सामने आया था, हमेशा मैंने आप लोगों को लॉजिक सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को मार्केट में काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। कौन से, जो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि भाई आप बिज़नेस देख रहे हो क्या। अगर आप बिज़नेस छोड़कर कोई भी चीज़ें देखकर अगर आप बाय करने का विचार कर रहे हो, आपका जो फर्स्ट स्टेप ही है वही गलत यहाँ पे ठहरा है, ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हो कि आपको बिज़नेस अच्छा लगता है तो फिर आप किसी भी कंपनी में अपना डिसीजन यहाँ पे बिंदास तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। बट अगर आपका बाइंग का डिसीजन बिज़नेस छोड़कर कोई और भी है, इमोशनल है, ये है, वो है करके, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे दे सकता है। अब देखिए, गाड़ी घूम फिर कर वहीं पर आती है, ठीक है, क्योंकि आप अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। रिवेंज बाइंग जैसी चीज़ें नहीं करनी होती, बोलते हैं ना रिवेंज ट्रेडिंग भी होती है, रिवेंज बाइंग करके, कि बस लोग कुछ गुस्से विस्से में ये चीज़ें करने जाते हैं, तो इससे मतलब फ़ायदा हो गया तो ठीक है भाई, अच्छी बात है यहाँ पे। बट जैसे मैंने कहा कि इससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होना, निरंतर होना काफ़ी मुश्किल फिर यहाँ पे हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो या फिर अदानी में भी अगर आपको जाना है भाई, अगर आपको बिज़नेस अच्छा लगता है भाई, उस ग्रुप के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आप अपना उस हिसाब से विचार यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और सवाल यहाँ पे लगातार कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछा जाता है, सर अदानी ग्रुप यहाँ पे यूएस में मतलब देखा गया हिंडनबर्ग के खिलाफ केस क्यों नहीं करता करके, ठीक है। अभी वो तो अदानी की चॉइस है भाई, मैं कैसे इससे रिलेटेड यहाँ पे कह सकता हूँ। बट हाँ, ये वाला मुद्दा भी अगर आप अदानी के शेयर्स खरीदने का विचार कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला मुद्दा आप लोगों ने भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। कौन सा, कि अगर ये चीज़ें अगर ऐसी ही चलती रही तो भाई हिंडनबर्ग बार बार आता रहेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया एग्जैक्टली तो सेम नहीं कह सकते केस, बट आप सभी लोगों को पता है इंफोसिस के ऊपर भी ऐसा बहुत बड़ा एलिगेशन यहाँ पे लगा था, ठीक है। ये जब भी लास्ट टाइम भी अदानी से रिलेटेड जब इशू हुआ था, तो इंफोसिस का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, कब, ये कोविड के ही पहले हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, कि इंफोसिस ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया था एक्सचेंज को कि उनको भी एक विसल ब्लोअर की ओर से कंप्लेंट यहाँ पे मिली है करके, कि यहाँ पे कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस हो रहे उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब भी कौन, डायरेक्ट कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर पारेख, उनके ओर सीधा एलिगेशन लगा दिया कि ये मतलब फेक नंबर दिखाने को कहते हैं, ठीक है। देन उसी के साथ साथ सबऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि फेक मार्जिन दिखाओ, नंबर्स दिखाओ करके, और फिर ये मैटर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सीरियस होते हुए देखने को मिला था। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग ये कहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और ये चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को मिली थी। एंड खुद अमेरिकन मार्केट की अगर बात करें, वहाँ का जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे किया था, और इन्फोसिस ने खुद भी कहा था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, क्योंकि आप भी इस चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो करके, ठीक है। मतलब क्या ये हुआ दोस्तों, कि इस चीज़ को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट यहाँ पे किया गया, एंड बाद में यूएस का जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने जो विसल ब्लोअर की जो केस थी उससे रिलेटेड इन्फोसिस को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लियर बता दिया। क्लियर बता दिया मतलब क्लीन चिट यहाँ पे दे दी, ठीक है, कि जो भी एलिगेशंस यहाँ पे लगाए थे विसल ब्लोअर में वो टोटली फेक थे करके। और जैसी ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, इन्फोसिस का स्टॉक उसी टाइम पे हम लोग को इमीडिएटली 10% रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। सो डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब क्या कि इन्फोसिस ने वहीं पे वो जो मामला था उसको रफा दफा कर दिया भाई, ठीक है। वैसे देखा गया तो काउंटर वापस यहाँ पे बोला गया था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि और डीप इन्वेस्टिगेशन करो करके, बट उन्होंने बोल दिया कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमने जितनी भी चीज़ें चेक की है ऐसा कोई लिंक मिला ही नहीं, जैसे कि विसल ब्लोअर ने कहा था कि ये फेक है वो फेक है करके, टोटली यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक नज़र यहाँ पे आ रही है करके। सो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें अगर अदानी ग्रुप भी यहाँ पे कर लेता है, ठीक है, तो मतलब क्या है, वो हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। वरना क्या, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, कब, जब ये एलिगेशन लगे थे तभी भी, कि अगर आप इनमें जा रहे हो तो याद रखना कभी भी इस प्रकार की खबर फिर आ सकती है, कभी भी ट्विटर हैंडल से आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। एंड फिर आपको पता है, फिर
इस प्रकार का पैनिक भी देखने को आप मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन की जो अदानी स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली वो कितनी देखने को मिली, 53,000 करोड़। तो काफ़ी लोगों ने इससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पे पूछा था, सर यहाँ पे अदानी के शेयर इतने तो नहीं गिरे, तो यहाँ पे इस प्रकार की कैसी चीज़ें बोली जा रही कि 50,000 करोड़ तक का यहाँ पे हम लोगों को लॉस, मतलब शेयर यहाँ पे ओवरऑल एंटायर ग्रुप की अगर हम लोग बात करते गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो दोस्तों अदानी ग्रुप काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कोई छोटा मोटा ग्रुप यहाँ पे नहीं है। आप इनका टोटल वेल्थ चेक करोगे, मार्केट कैप चेक करोगे तो कितना बड़ा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे इससे रिलेटेड भी मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि अगर मान लो कि किसी का पोर्टफोलियो 100 रुपये का है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भाई मार्केट 90% भी क्रैश हुआ ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चैन की नींद ही सोएगा, ठीक है। बट अगर किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है भाई, उसके लिए 1% भी, ठीक है, 1 करोड़ के बराबर है, ठीक है, तो उसको फ़र्क पड़ेगा 1% से। तो वैसा ही है कि जिस ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, बिजनेसेस की बात करें, पोर्टफोलियो की बात करें, वो कितने साइज़ का है वो देखना इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप इतना बड़ा है तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे गिरावट की अगर हम लोग बात करें कलेक्टिवली जो रही है वो 53,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसलिए तो ये जो ग्रुप रहते हैं, मतलब हिंडनबर्ग की बात करें, बड़े बड़े ग्रुप को यूजुअली टारगेट करने की भी कोशिश यहाँ पे करते हैं ताकि हल्की सी भी गिरावट हो जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने के भी चांसेस यहाँ पे होते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।